पानी आ जाता है देखते देखते, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग ट्राई करें और देखें कि कैसे बनती है डालगोना कॉफी। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं इस वीडियो में और देखने वाले हैं इसका टेस्ट होता है। अरे ओ महारानिया, ये का नल्ला पल्ला बना रहे हो? तुम मालूम को कोई काम धाम है कि नहीं? सुबह से बोलते बोलते दो घंटा हो गया, ये वीडियो के चक्कर में पड़े हो, चल झाड़ू पोछा कर चल। तो गाइस हम लोग आते हैं झाड़ू पोछा करके, आप लोग वीडियो एंजॉय करो। भाई स्पून ऑफ इंस्टेंट कॉफी पाउडर एक चम्मच ले लीजिए, उसी से सारे मेजरमेंट कीजिए, और दो चम्मच ऑफ शक्कर एंड गरम पानी ले लेंगे हम दो चम्मच, इतना कि हमारा हाथ जल जाए, इतना गरम होना चाहिए वो। और यहाँ पे बीट करने के लिए चम्मच भी ले सकते हो, विस्कर भी ले सकते हो, दोनों से अच्छे से बीट हो जाएगा। और चलिए अब हम इसको बीट करते हैं इलेक्ट्रिक बीटर के बिना, आज हम इसे बनाने वाले हैं बिना मशीन के, तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है ये। तो मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया था यहाँ पे, तो मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ा। आप लोग ना दो ही टेबल स्पून, मतलब 2 tablespoons ऑफ हॉट वाटर लेना, ज़्यादा मत लेना। तो बीट करते करते इसका टेक्सचर हो गया इतना लाइट, कितना सुंदर दिख रहा है ना, एकदम फ्लफी और इतना लाइट कलर हो गया इसका। और अभी इसे बीट करना है, इसको हैंड मतलब हाथ से बीट करेंगे तो करीबन 10 से 15 मिनट लग जाता है। जो फ्रॉथ है ना इसको स्पून से खाना पड़ेगा। मैंने ये फ्रॉथ बचा हुआ इसमें बांध रखूंगी स्पून से। इलेक्ट्रिक मीटर है तो जल्दी बन जाता है, एंड कैसे करेंगे मेरा मशीन का थोड़ा सा टाइम लेगा, बट रिजल्ट इज वेरी गुड। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा और इसमें मैं शक्कर डाल के भी नीचे का फ्रॉथ खाऊंगी, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, हमने ट्राई किया, अच्छा लगा हमें, अच्छा लगा। और ये मतलब झटपट से बनने वाला है, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो 15-20 मिनट लगता है इसको बीट करने में, अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो 5 मिनट में ये आराम से हो जाएगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग भी ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा एंड कॉमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।